Good morning, class second. I am your Pritha ma'am, your revise teacher. Today we'll do what? We'll do question answers. हम लोगों ने our food पढ़ा है, right? तो हम आज क्या करेंगे? Books में उनके जो पीछे question answers है, उसको करेंगे, ठीक है? So take out your books and pencils, erasers, okay? Just take out. So take out your book and open chapter. Which chapter we are reading? Chapter 4, our food. Come to the page 19. We'll do the activity today and the question answers today. Okay, so start from here. Activity 4. Tick the food habits that you follow. आप जो जो food habits इनमें से follow करते हो, वहाँ पे आपको tick देना है. ठीक है? जैसे मैं एक यहाँ पे करके दिखाऊंगी, बाकी आपको घर पे करना होगा. जो जो आप करते हो उसी के साइड में आपको टिक देना है, जो जो फॉलो अप करते हो. अगर नहीं करते हो तो वहाँ पे टिक नहीं देना. वैसे तो ये सारे पढ़ के हमें पता चलेगा कि कौन से फॉलो करना चाहिए, कौन से है जो फॉलो ना भी करे तो चलता है. चलो पहले देखते हैं क्या है. नंबर 1, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. हमें हमारे हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद. ये मैं करती हूँ तो मैं यहाँ पे एक टिक दूंगी. Eating at fixed hours. खाना एक particular time में ही खाना चाहिए. जैसे सुबह खाया, उसके बाद दोपहर को खाया, उसके बाद शाम को. ऐसे एक fixed hours में खाना चाहिए, पूरे time पे नहीं खाना चाहिए. तो मैं तो ये करती हूँ तो मैं यहाँ पे भी टिक दूंगी. अगर आप भी ये करते हो तो यहाँ पे आप टिक दोगे. ऐसे बाकी भी तीनों आप करेंगे. ये आपका homework रहेगा. बाकी sentence मैं पढ़ती हूँ. Chewing the food well. फूड जो है वो अच्छे से चबा के खाना चाहिए, राइट? तो अगर ये आप करते हो तो यहाँ पे आपको टिक देना है. ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे. आपको क्या करना है? रोज़ बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए. अगर आप भी ये करते हो तो आप यहाँ पे राइट दोगे, ठीक है? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे. रोज़ खूब सारा पानी पीनी चाहिए ताकि बॉडी का डाइजेशन अच्छा रहे, है ना? तो अगर आप भी बहुत सारे पानी पीते हो तो आप यहाँ पे टिक दोगे, ठीक है? करके ये कंप्लीट करना है. ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो अब हम अभी करेंगे. आंसर दिस क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाई डू वी नीड फूड. हमें खाना क्यों खाना चाहिए? चलो स्टार्ट राइटिंग. वी नीड food to stay healthy and fit. We need food to stay healthy and fit. हमें खाना इसीलिए खाना चाहिए, हमें खाने की ज़रूरत इसीलिए है ताकि हम हेल्दी और फिट रह पाए, ठीक है? Now, how do proteins help us? Proteins हमें कैसे help करते हैं? Proteins क्या करते हैं? हमें grow करने में मदद करते हैं, right? तो proteins help us to grow, ठीक है? प्रोटीन हमें ग्रो करने में मदद करते हैं. नंबर 3, लिख लो ये पहले, ये दोनों. ओके, नाउ द नेक्स्ट. व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस. कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, राइट? तो यहाँ पे लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं? गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं। नंबर फोर, हाउ डज वाटर हेल्प अस, पानी हमें कैसे मदद करते हैं, पानी क्या करते हैं, पानी हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं और क्या करते हैं, हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने में मदद करते हैं। तो हम वही लिखेंगे, वाटर हेल्प्स अस हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट डाइजेस्ट द फूड वी ईट and और क्या, टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द आवर बॉडी, है ना, एंड टू रिमूव रिमूव यहाँ पे लिखना है छोटा सा करके WASTE वेस्ट, टू रिमूव वेस्ट। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट एंड टू रिमूव वेस्ट। गिव टू ईट गुड ईटिंग हैबिट्स, क्या करना है, दो अच्छी ईटिंग हैबिट्स हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नंबर वन, वी मस्ट ईट आवर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स हमें हमेशा एक टाइम पे खाना खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे। एंड नंबर टू, पहले ये लिख लो, एंड एक और हम लिख लेते हैं, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स hands before and after eating, ठीक है। बुक में लास्ट पेज में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कितने सारे ईटिंग हैबिट्स दिया गया है, इनमें से सिर्फ आपको दो लिखना है, ठीक है, कोई भी दो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उसी तरीके से दो लिख लिया, ठीक है, चलो लिख लो। नाउ नेक्स्ट, नेम एनी टू एनिमल्स दैट गिव अस मीट, हमें दो ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जो हमें मीट देते हैं, कौन कौन है बताओ जरा। गोट, गोट से हमें क्या मिलता है, मटन, रेड मीट, गोट, जियो गोट, एंड डोमेस्टिक पिग। डोमेस्टिक पिग से हमें क्या मिलता है पता है, पोर्क। गोट से मिलता है मटन एंड डोमेस्टिक पिग से मिलता है पोर्क, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक बर्ड भी है जिससे हम जिसका मीट हम खाते हैं, क्या है, हेन। चिकन खाते हैं ना हम, तो वो हेन का होता है मीट, ओके। नाउ द नेक्स्ट, नेम एनी टू बर्ड्स दैट गिव अस एग्स, क्या है, हेन एंड डक, है ना,
हेन और डक ही तो देते हैं हमें एग्स, है ना। चलो लिख लो जल्दी से। तो हम लोग एक बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हाउ डू प्रोटीन्स हेल्प अस? प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। वॉट डू कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस? कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। हाउ डज वाटर हेल्प अस? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट एंड टू रिमूव वेस्ट। गिव टू गुड ईटिंग हैबिट्स? We must eat our meals at fixed hours. Number two, we must wash our hands before and after eating. Name any two animals that give us milk, meat, goat and domestic pig. Name any two birds that give us eggs, hen and duck. ठीक है, लिख लो। Okay student, so we are done with the question answers. All the book activities, okay? So that's all for today. Thank you, class. Have a good day. Take care.